दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क देखा। अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क नहीं पता है तो याद रखें, एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डाले और लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकाले। फॉर एग्जांपल, आपका रेंट पे दिया हुआ घर आपका एसेट है और जिस घर में आप रहते हो वो एक लाइबिलिटी है। गरीब माइंडसेट वाले लोग अपने आप को अमीर दिखाने के लिए और दूसरों को जलाने के लिए सबसे पहले अपने पैसों को लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो अपने लिए कंफर्ट या शो ऑफ वाली चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि महंगा मोबाइल, महंगे जूते, महंगे कपड़े, कार, महंगा टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इन चीज़ों के लिए उनके पास पैसे नहीं है तो ये लोग लोन पर वो चीज़ें खरीदते हैं और इसीलिए उनके पास एसेट्स क्रिएट करने के लिए पैसे नहीं बचते। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले एसेट्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और बाद में अपने शौक को पूरा करते हैं। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड इस बुक की वीडियो समरी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज का वीडियो असल में उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दुनिया में सिर्फ चार टाइप्स के लोग हैं, EBSI, जिन्हें हम एक क्वाड्रेंट में दिखा सकते हैं। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में आते हैं ई यानी एम्प्लॉई और यस यानी सेल्फ एम्प्लॉई, और क्वाड्रेंट के राइट साइड में आते हैं बी यानी बिजनेसमैन और आई यानी इन्वेस्टर्स। इन चारों लोगों की पैसों को लेकर सोच अलग अलग है। हम इन चार क्वाड्रेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट में आते हैं ई यानी एम्प्लॉई। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इन्हें जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, हर महीने फिक्स अमाउंट का पेचेक चाहिए, हर चीज़ इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए। हमारे पॉपुलेशन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं और इसका मेन रीज़न है हमारी एजुकेशन सिस्टम। हमारे घर, स्कूल और कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, क्योंकि अच्छी जॉब मिल सके। दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं यस यानी सेल्फ एम्प्लॉई। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता है, इसीलिए वो खुद के बॉस बन जाते हैं और अपनी छोटी दुकान शुरू करते हैं। फिर चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, किराना स्टोर हो, रेस्टोरेंट चलाने वाला हो या कोई और दुकान हो। इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इन्हें लगता है कि ये बिजनेस करते हैं या बिजनेसमैन हैं, जबकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इनके पास एक ऐसी जॉब है जो इन्होंने खुद के लिए क्रिएट करी है। ये लोग खुद को अपने काम के एक्सपर्ट समझते हैं और किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ये सब काम खुद ही करना चाहते हैं। जब इनके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं तब ये सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में आने वाले लोग अपने टाइम के बदले पैसे कमाते हैं। जिस दिन ये लोग काम करना बंद कर देते हैं उस दिन उन्हें पैसे भी मिलने बंद होते हैं। गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक ये लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। फैक्ट ये है कि ये लोग जिंदगी भर एक लिमिट से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं बी यानी बिजनेसमैन। ये वो लोग हैं जो दूसरे के टाइम से पैसे कमाते हैं। असली बिजनेसमैन बिजनेस में ऐसी सिस्टम बनाता है जो उसके बिना भी बिजनेस को स्मूथली चलाती है। ये लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम दूसरों से करवाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो समझ जाओगे कि बड़े बड़े ब्रांड्स के ओनर उनके किसी भी आउटलेट में काम करते आपको नज़र नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी मुकेश अंबानी, रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल इन जैसे बड़े या छोटे ब्रांड्स के ओनर को कभी भी कोई आउटलेट पर या कंपनी में काम करते नहीं पाओगे। चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं आई एंड इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो पैसों से पैसे बनाते हैं। ये लोग अपना एक्स्ट्रा पैसा किसी और के बिजनेस में लगाते हैं और बिना काम किए ढेर सारा मुनाफा कमाते हैं। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो अपने आप को इस फील्ड में एजुकेट करना पड़ेगा। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर किसी और के टाइम और मेहनत से पैसे कमाते हैं। अगर ये महीनों के लिए काम ना करें और छुट्टियों पे चले जाएं तब भी इनकी अर्निंग्स बढ़ती रहती है। ये लोग ज़िंदगी में अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको भी राइट साइड के क्वाड्रेंट में शिफ्ट होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड के क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में से बताई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाकर आप इस किताब की कॉपी खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। आप अभी किस क्वाड्रेंट में हो ये हमें कमेंट करके बताएं।
अपने करीबी लोगों के साथ इस नॉलेज को शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेसियस टाइम।